स्नैपड्रैगन 730 और स्नैपड्रैगन 845 गाइस इन दोनों प्रोसेसर को लेकर ना मार्केट में मतलब ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, क्योंकि गाइस जो पिछले साल का पोको F1 था उसमें आपको पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर यानी स्नैपड्रैगन 845 मिलता था, और गाइस अभी आ रहा है रेडमी K20 इसमें आपको स्नैपड्रैगन 730 मिलता है, और गाइस दोनों फोन्स बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर देने वाले हैं। लेकिन गाइस बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्नैपड्रैगन 845 स्नैपड्रैगन 730 से बेहतर है, और क्योंकि वो 800 सीरीज का प्रोसेसर है। लेकिन गाइस मतलब आज मैं इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या इन दोनों प्रोसेसर में डिफरेंस है, और कौन सा प्रोसेसर किस चीज़ में अच्छा है, और क्या क्या मतलब मसाला डाला है क्वालकॉम ने दोनों प्रोसेसर के ऊपर, सब कुछ इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पोको F1 और रेडमी K20 के ऊपर एक डिटेल कंपैरिजन मैंने किया है, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, यहाँ पर आई कार्ड में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो जाइए और देख लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले अगर बात कर लें इन दोनों ही प्रोसेसर के प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, तो गाइस स्नैपड्रैगन 730 आपको मिलता है 8nm पे, और गाइस स्नैपड्रैगन 845 आपको मिलता है 10nm पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730 8nm के होने के बाद यहाँ पर आपको ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 730। गाइस अभी बात कर लेते हैं इन दोनों प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड के बारे में, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730 आपको मिलता है 2.2 गीगाहर्ट्ज पे, और इधर आपको स्नैपड्रैगन 845 मिलता है 2.8 गीगाहर्ट्ज के। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 845 ज्यादा दिख रहा होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्लॉक स्पीड में स्नैपड्रैगन 845 आ गया है स्नैपड्रैगन 730 से। गाइस अगर बात कर लें दोनों ही प्रोसेसर के कोर्स के बारे में, तो इधर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही प्रोसेसर में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, यानी 8 कोर्स आपको दोनों ही प्रोसेसर में मिलते हैं। लेकिन गाइस डिफरेंस क्या है इसमें, गाइस जो स्नैपड्रैगन 730 है वो आता है लेटेस्ट क्रायो 470 के साथ, और गाइस जो स्नैपड्रैगन 845 है वो आता है क्रायो 385 के साथ। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर पावर में ज्यादा होगा स्नैपड्रैगन 730, और मतलब लेटेस्ट कोर है तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। और जो 2 कोर्स है स्नैपड्रैगन 730 के वो है एक परफॉर्मेंस कोर, और जो 6 कोर्स है वो है एफिशिएंसी कोर्स, यानी पावर के साथ यहाँ पर आपको ज़्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। और अगर बात करें स्नैपड्रैगन 845 में, तो इधर आपको मतलब 4 कोर्स मिलता था परफॉर्मेंस कोर्स, और 4 कोर्स आपको एफिशिएंसी कोर्स। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 730 यहाँ पर क्लियरली विनर दिख रहा है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 730 में आपको क्रायो के 470 लेटेस्ट कोर्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंस भी है। गाइस अगर इन दोनों ही प्रोसेसर के जीपीयू के बारे में बात कर लिया जाए, तो यहाँ पर जीपीयू में आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 730 में आपको एड्रीनो को 618 जीपीयू देखने को मिल जाता है, और जो स्नैपड्रैगन 845 है उसमें आपको 630 का जीपीयू मिल जाता है एड्रीनो का। तो यहाँ पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस और जो ग्राफिकल परफॉर्मेंस है वो स्नैपड्रैगन 845 में बेहतर देखने को मिलेंगी। गाइस अगर बात कर ले ISP के बारे में, तो इन दोनों ही प्रोसेसर में आपको अलग अलग ISP देखने को मिलेंगे, यानी आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730 में आपको स्पेक्ट्रा 350 का ISP देखने को मिलता है, और स्नैपड्रैगन 845 में आपको स्पेक्ट्रा 280 का ISP मिलता है, यानी यहाँ पर आप पिक्चर ज़्यादा अच्छे क्लिक कर सकेंगे स्नैपड्रैगन 730 से, यानी कैमरे के मामले में यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730 अच्छा होगा, क्योंकि उसका ISP बहुत ही ज़्यादा बेहतर है स्नैपड्रैगन 845 से। गाइस इन दोनों प्रोसेसर के अगर मोडेम के बारे में बात कर लिया जाए, तो इधर आपको स्नैपड्रैगन 730 में X15 का मोडेम देखने को मिल जाता है, और स्नैपड्रैगन 845 में आपको X20 का मोडेम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कनेक्टिविटी के यानी सेलुलर कनेक्टिविटी के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 845 बेहतर देखने को मिल जाता है। गाइस अगर बात कर ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बारे में, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 730 में 4th जनरेशन का हेक्सागन 688 का DSP देखने को मिल जाता है। अगर बात कर ले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 की, तो यहाँ पर आपको 3rd जनरेशन का हेक्सागन 685 का मिल जाता है DSP। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AI के मामले में भी यहाँ पर बेहतर होगा स्नैपड्रैगन 730। तो आप देख सकते हैं बहुत मामले में स्नैपड्रैगन 730 यहाँ पर बीट करता है स्नैपड्रैगन 845 को, तो ये मतलब नहीं बन जाता कि वो 800 सीरीज़ का प्रोसेसर है इसलिए वो बेहतर होगा। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730 भी बहुत ही ज़्यादा कैपेबल प्रोसेसर। लोगों को गाइस पता चल गया होगा कि इन दोनों प्रोसेसर में मतलब क्या क्या डिफरेंस है, और क्या क्या उसमें कौन सा चीज़ किस में अच्छा है, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। और गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, तो वीडियो को ज़रूर से एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर नया आ गए तो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लेना भाई, ऐसे ही तगड़े तगड़े कंटेंट्स देखने के लिए। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।